क्या बात है? पेपर अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हातिम, ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद हैं और सिर्फ हाथ चल रहे हैं। अम्मी का चेहरा मेरी नजरों से हट ही नहीं रहा था। सुबह नाश्ता किया? भाई ड्रॉप करके गए थे, बहुत परेशान है। परेशानी तो सबको है सोनी, तुम अकेली नहीं हो, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब बहुत कोशिश कर रहे हैं अम्मी के इलाज के पैसों के लिए, बस दुआ करना कि कुछ हो जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके। अम्मी की हालत रात में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मुझे उनके पास ले जाओ प्लीज। सोमी, अम्मी ने जो तुमसे कहा था उस पर मैं माफी मांगता हूँ। हातिम, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा की फिक्र है और किसी की नहीं। आप भी कमाल करते हैं। अगर मामू के कोई बकाया जात नहीं भी थे तो आप बात तो करते, कम से कम अपनी मजबूरी तो बताते। मैंने बात की थी अदन से, उसने मुझे अकाउंट्स में भेज दिया। उसने बात तो अच्छे तरीके से की थी ना आपसे? हाँ, बात तो अच्छे तरीके से ही की थी उसने। बेचारा खुश अखलाकी का मुजाहरा भी कर रहा था, वैसे भी कोई बकाया जात होते तो वो क्लियर कर ही देता। अगर इतना ही अच्छा है और आपकी मजबूरी को भी समझ रहा है तो मुझे लगता है कि आपको बात बता देनी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि वो जरूर कोई मदद करता। मुझे मदद नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कि हम उसे वापस लौटा देते नौमान। तो ये समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकलता जा रहा है। अम्मी की रिपोर्ट्स आई हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। एक बात मानेंगे मेरी? बोलो। आप फहमीदा खाला से बात करें। क्या बात करूं? फहमीदा खाला का घर बनते वक्त मामू ने उनकी बहुत मदद की थी, क्या पता वो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे दें। शर्म करो राइला, किस तरह की बातें कर रही हो तुम। फहमीदा पप्पू के पास अगर कुछ होता तो वो वैसे ही दे देती। जहां तक रही घर की बात, वो बाबा और फहमीदा पप्पू का मामला है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं जाके कुछ बोलूं। प्लीज आइंदा के बाद इस तरह की कोई बात मत करना मेरे साथ। अम्मी, अम्मी सूप पी लें। कोई सूप नहीं पीना। अम्मी कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो ताकत कैसे बनेगी? नहीं नहीं भाई, इतनी दवाइयाँ दी हैं तुम लोगों ने, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं सूप पी रही। अम्मी जैसे जैसे ताकत बनती जाएगी दवाइयाँ कम होती जाएंगी, उठें आराम से। तंग कर रही हो मुझे तुम सोमिया, कुल दिल नहीं चाह रहा। मैंने तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? तुम अपनी माँ को माफ कर देना। किस बात की अम्मी? सोमिया, मैं वो सब नहीं कर पाई जो अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते वो तुम्हारे लिए कर लेते। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? सब कुछ तो किया है आपने मेरे लिए। मैंने हातिम को यहाँ आने से मना किया, हालांकि मैं जानती हूँ कि वही तुम्हारी खुशी है। अम्मी मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने फूफो की वजह से रोका है हातिम को यहाँ आने से, और अगर फूफो हातिम के यहाँ ना आने से खुश है तो फिर ठीक है। नहीं ठीक, तुम दोनों के साथ ज्यादती है ना। अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो फहमीदा से लड़ झगड़ कर सब कुछ ठीक कर लेते।
मैं मर अम्मी आपको क्या हो गया है? अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी भी नहीं जी सकेगी। ऐसे मत बोलो आगे पूछते ऐसे। सॉरी राहिल, मैं कुछ और ना बंदोबस्त कर लूंगा। वैसे भी जेवर पे तुम्हारा हक है, तुमने तो ठीक तरह से पहने भी। भाई ने औलादों की तरह पाला है हम दोनों बहन। अब हमारी बारी है बेटा, अगर नुमान को ये जेवर चाहिए तो उसको दे दो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जेवर तो फिर बन जाए। राहिला क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि सेवर बेचने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो खुदाई हमारी गैब से मदद करेगा। सोमिया, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अदन से क्यों नहीं बात करती? अदन, वो कौन है? तुम वाकई किसी अदन को नहीं जानती? देखो मुझसे सच बोलो। नहीं, मैं नहीं जानती, कौन है अदन? अरे मामू की कंपनी का मालिक, जो दिन हमारे घर आया था। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। या तो ये झूठ बोल रही है, या फिर आतिश इश्क सिर्फ उधर ही भड़क रही है। अदन, क्या हुआ, अब क्या सोचने लग गई हो? मुझे बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी के लिए? मेरी बात गौर से सुनो सोमिया। देखो तुम चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकती हो। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ हो सकता है? क्या मतलब है इस बात का? हम दोनों अदन से बात करेंगे। अरे वो हमारी मदद जरूर कर सकता है। राहिला, वो क्यों करेगा हमारी मदद? अरे जब वो ताजियत के लिए हमारे घर आ सकता है तो वो हमारी मदद करने के लिए भी जरूर सोचेगा। हाँ तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम भाई को बोलो ना कि उससे बात करे। नुमान की खुददारी कभी भी उसे अदन से बात नहीं करने देगी, इसलिए अब जो भी करना होगा हम दोनों को करना होगा। हम ये बात सबसे छुपा लेंगे। ये बात कैसे छुपाई जा सकती है राहिला? अगर अदन हमें पैसे दे भी देता है, हमारे पास क्या इतने पैसे हैं कि हम वो लौटा दें? और घर वालों को क्या कहेंगे कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से हैं? तब की तब देखी जाएगी। हम कल उसके ऑफिस जाके उससे बात करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगा।
अमित क्या हुआ है? एम्बुलेंस को बुला के लेकर आता हूँ। क्या मतलब है कि ऑपरेशन नहीं होगा? जब तक पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं करेंगे आप, चाहे पेशेंट मर भी रहा हो। आप जाके डॉक्टर से क्या मतलब? ये कैसे लोग हैं यार, कह रहे पैसे जमा नहीं होंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। क्या कर सकते हैं इस वक्त, ये उनका तरीकेकार है, हम हेल्पलेस हैं। ये कैसा तरीकेकार है यार, इंसानियत से बढ़कर है क्या? पैसे नहीं होंगे तो ये लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। रिलैक्स कर, बैठ जा, संभाल खुद को यार, बैठ जा। यार यार समझ नहीं आ रहा है। अभी एक दोस्त से बात हुई है, कह रहा है कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, वो मुझे याद है मुझे एक जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए जाना था, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, जो भी हो मुझे फोन करके बता दूंगा। बता दूंगा। कर दो, इससे कोई फायदा नहीं है। इस तरह रोने से पैसे नहीं आएंगे हमारे पास, हम खाली हाथ रह जाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे भरोसा है कि वो कंपनी का मालिक हमारी मदद करेगा? बात भरोसे की नहीं है, बात कोशिश करने की। कम से कम हमें ये पछतावा तो नहीं होगा ना कि हमने हमने कोशिश नहीं की। ठीक है चलो फिर। चलो मैं जाकर नुमान को बता देती हूँ कि हम घर जा रहे हैं किसी काम से, लेकिन पहले तुम ये रोना बंद करो। रोने से कोई फायदा नहीं है, हम जाएंगे तो क्या पता सब ठीक हो जाए। हाँ तुम बात करना, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो बात करने की। अरे तुम सजा साहब की बेटी हो, तुम्हारी बात करने में वजन होगा। आपको तो पता है बॉस से अपॉइंटमेंट के बगैर मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए प्लीज जाकर उनसे कहें कि सूमिया आई है उनसे मिलने के लिए, सजा साहब की बेटी, प्लीज। ओह अच्छा, आप सजा साहब की बेटी हैं? जी ये सूमिया। चले मैं ट्राई करती हूँ, प्लीज बॉस को कॉल मिला के दे मुझे। जी बॉस, आपसे सूमिया मिलना चाह रही हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है आपसे मिलने का। सूमिया कौन? हमारे सीनियर अकाउंटेंट थे सजा साहब, उनकी बेटी हैं। ओह अच्छा, आप उन्हें ऑफिस में भेज दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। आप जा सकती हैं, यहाँ से स्ट्रेट जाएं और फिर लेफ्ट हो जाएं। ओके थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मेरी बहन में पहुंच आ गई है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सामने वाला रूम है अदन का, तुम वहां चले जाओ। अकेले नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो, आप बार बार नहीं आ सकते। तुम जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और जल्दी वापस आना।
यस यार सोने वालेकुम सलाम आप सजाद साहब की बेटी सोमया हूं सजाद साहब की बेटी है आप प्लीज तशरीफ रखिए बैठिए आप एक्चुअली आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि आपको यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी और हैरत हो रही है आप चाय लेंगे या कॉफी मैं नहीं बस मैं एक मदद बैठिए प्लीज प्लीज हैव अ सीट प्लीज बैठिए प्लीज मैं बहुत मजबूरी के आलम में यहाँ पर आई हूँ मेरी वालदा इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक रकम का इंतजाम नहीं होगा हम ऑपरेशन नहीं करेंगे जी आप I'm sorry, आप क्या कह रही थी ठीक है आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से आ गई है पता नहीं कौन है फ्रॉड है झूठी है लेकिन मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी ये मेरा वादा है नहीं कैसी बातें कर रही हैं आप वो मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था चंद दिन पहले I'm sorry, I lost track, वो कितने पैसों की जरूरत है आपको ₹15,00,000 15 आप बिल्कुल अपसेट ना हो अल्लाह ताला आपकी मम्मी को सेहत और ज़िंदगी देंगे इंशाल्लाह आप परेशान ना हो मैं आपको वादा करती हूँ कि इसी ऑफिस में कोई छोटी मोटी नौकरी करके मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी मैंने आपसे पूछा तो नहीं है कि आप ये पैसे मुझे कब वापस करें ऐसा हम नहीं भूल सकते बहुत शुक्रिया आप रोए मत मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो आपको ड्रॉप कर देगा नहीं 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 इसकी जरूरत नहीं है मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आई हूँ थैंक यू सो मच Thank you.
हो गया? तुम्हारी मोच ठीक हो गई? हाँ मेरी मोच ठीक हो गई। मुझे ये बताओ कि वो माना कि नहीं? चेक दिया उसने। ₹15 लाख? देखा, मैंने कहा था ना कि कभी भी तुम्हें इनकार नहीं करेगा, और देखो अब ये तो उसका एहसान है। लेकिन अब देखना ये कि कैश भी होगा कि नहीं। चुप, क्यों नहीं कैश होगा? और अगर नहीं होगा तो हम इसको फोन करेंगे। इसकी सेक्रेटरी से मैंने नंबर ले लिया। चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी देर हो रही है। इतनी बड़ी रकम कहां से आई? नुमान, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। फिलहाल आप जाएं और ये जाके जमा कराएं ताकि प्रोसेस शुरू हो। लेकिन पता तो लगे इतनी बड़ी रकम आई कहां से। वो मैंने अपना जेवर बेच दिया नुमान, और बाकी की रकम मैंने अपनी दोस्त से उधार ली है। ऐसी कौन सी दोस्त है तुम्हारी जो इतनी बड़ी रकम उठा के तुम्हें ऐसी दे दे? आप नहीं जानते, बहुत अमीर दोस्त है। हम जैसे गरीबों के घर तो आना पसंद भी नहीं करते, इसलिए कभी आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। हमारे घर आना अच्छा नहीं लगता, और इतनी बड़ी रकम उसने तुम्हें ऐसी उठा के दे दी। क्या बात कर रही हो राहिल? नुमान, ये रकम मैं उधार लेकर आई हूँ, वापस कर देंगे कोई, अल्लाह ना करे कोई खैरात उठाकर नहीं लाई हूँ मैं। नुमान जाएं। राहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना बड़ा कदम हमने भाई की इजाजत के बगैर उठाया। कुछ नहीं होने वाला, तुम मत सोचो कुछ भी। मैंने नुमान से कहा है कि ये रकम मैंने अपने जेवर बेच के अरेंज किया, और बाकी की रकम अपनी दोस्त से ली है। तुम्हारा जेवर घर पे? सोमिया, तुम इन मामलों में मत उलझो। मैंने कहा ना कि मैं हैंडल कर लूंगी नुमान को। सोच रही हो राहिल, कोई किसी पे इतना एतबार कैसे कर सकता है जैसे अदन ने हम पे किया है? हाँ, क्यों नहीं, एतबार भी तो वही किया जाता है ना जहाँ इंसान का दिल मजबूर हो। अपना फोन दो। क्यों? उसने जो चेक दिया था वो कैश हो गया, तब शुक्रिया भी तो अदा करना है ना। मैं करूंगी उसका शुक्रिया अदा। नहीं तो और कौन करेगा? तुम्हें जानता है तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सोमिया बात कर रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि जो एहसान आपने हम पर किया है वो कोई नहीं करता। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपकी वालदा को सेहत और ज़िंदगी दे। मैं इंशाल्लाह आऊँगा उनको देखने बहुत जल्द। जी क्या हुआ? कह रहा है कि अम्मी से मिलने आऊंगा। हाँ तो आना भी चाहिए, मतलब जब तक नुमानी ठीक नहीं हो जाती उसे यहीं बैठे रहना चाहिए। क्या हो गया राहिला? अदन यहाँ पर आएगा, सबको पता चल जाएगा कि रकम कहाँ से आई है। अदन बहुत समझदार इंसान है, वो कभी भी किसी को इस बात की हवा तक नहीं लगने देगा। तुम मोबाइल लौट जाए। अब ये क्या कर रही हो तुम? उसे एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, वरना वो बेचारा कहाँ परेशान होगा। राहिला, अब तुम क्या कर रही हो? नंबर सेव कर रही हूँ उसका। लो, आगे काम आएगा तुम्हारे।
मानी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मानी कुछ टेस्ट है, रात को ऑपरेशन। और ऑपरेशन की फीस जमा हो चुकी है, अल्लाह ने सबब बना दिया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम अचानक कैसे हो गया। कहा ना कि अल्लाह ने सबब बना दिया है, और इन बिला वजह की बातों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ दुआ करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वहां कौसर भाभी का ऑपरेशन चल रहा है और तुम यहां खड़ी हो। तुम्हें तो वहां से हटना नहीं चाहिए। मैं जानती हूं कि मुझे वहां से हिलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बहुत जरूरी काम से आपके पास आई हूं, मैं वापस चली जाऊंगी। क्या बात है, ये रख लीजिए, वापस ले लूंगी। ये तुम क्या करती फिर रही हो राहिला? तुम्हारा ये जेवर मैं क्यों रखूं? वो क्या है ना, फिलहाल पैसों का इंतजाम कहीं और से हो गया है, अब जब वहां लौटाने होंगे तब ये जेवर काम आएंगे। लेकिन ये तुम मेरे पास क्यों रखवा रही हो? अम्मी बंद घर में जेवर रखना मुनासिब नहीं है, इसीलिए आपके पास लेकर आई हूँ। राहिला जो सच बात है वो बताओ मुझे। अम्मी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले आप वादा करें कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे तो बताओ क्या बात है। वो क्या है ना, सोमिया ने पैसों का इंतजाम किया है। सोमिया ने? कैसे? पता नहीं, और उसने कौन सा मुझे सच बताना है, लेकिन हाँ नुमान के सामने उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये कह दिया कि मैंने जेवर बेच दिया और जो पैसे कम पड़े वो मैंने अपनी सहेली से ले लिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था राहिला। अब तो बोल दिया अम्मी, लेकिन इस झूठ में आपको मेरा साथ देना होगा, प्लीज चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? बहुत बेहतर है, डॉक्टर्स लेके गए ऑपरेशन के लिए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली यहाँ पर मेरी कुछ डॉक्टर्स से अच्छी जान पहचान है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन्हें कह सकूँ कि आप लोगों पे थोड़ी खास तवज्जो दें। अगर आपको यहाँ पर किसी ने देख लिया मैं क्या जवाब दूंगी? आपको जिस बात का खौफ है ना, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, वो बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। बल्कि अभी आते हुए आपके भाई से मुलाकात हुई मेरी, मैं उन्हें भी कह चुका हूँ कि मैं आंटी को देखने यहाँ पर आता रहूँगा, सो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अदन मुझे समझ नहीं आता कि जो एहसान आपने हम पे किया है वो मैं कैसे चुकाऊंगी। देखें पहली बात है कि मैंने आप पर कोई एहसान नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी एहसान चुकाना चाहती हैं तो एक कंडीशन। वो क्या? अल्लाह आपकी वालदा को सेहत और ज़िंदगी दे। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर आपको आप रोएं मत प्लीज़, बस आपको अगर ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कोई परेशानी कोई मुश्किल पेश आएगी तो आप मुझसे रब्ता करेंगे। और देखें आप प्लीज़ इस तरह नुकसान है तेरा है बात इश्क में ना दरमियां। रोए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए
तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा, ना तुमसे मिले कुछ कम। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम। चला गया है वो। ये नुमानी जान की कुछ दवाइयां हैं, कमरे में रखते हैं। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको, याद बड़ा तुझको यार हेलो। हाँ हेलो यार, कहाँ हो? बस आ रहा हूँ मैं। ओके जल्दी आ जाए। लेकिन डॉक्टर्स इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, इतना टाइम लगता ही है। प्लीज परेशान मत हो। सुनो, मुबारक हो तुम लोग, नुमानी का ऑपरेशन खैर से होगी। तुम्हें भी मुबारकबाद हो आतिम। आतिम, तुम सोमिया और राहिला को घर ले जाओगे? जब तक अम्मी को होश नहीं आएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, ऐसी बातें मत करो सोमिया। नुमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं राहिला को भेजता हूँ आतिम, ठीक है? खुदा ने हम पे अपना बहुत करम किया है हाथे। बेशक। वो लड़का कौन था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सोमिया, वो लड़का कौन था? मैं कह रही थी कि भाई से बोलो कि मुझे यहाँ रुकने दे। यहाँ एक से ज्यादा किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। तुम्हें सारा वक्त बाहर बैठ के गुजारना पड़ेगा, बेहतर है कि घर चली जाए। सही कह रही हो। तुम दोनों आ जाओ, मैं नुमान से चाबी लेता हूँ। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? दोस्त के पास। किसकी बात कर रहा था हातिम? अदन की बात कर रहा था। कहा था ना, कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार में। हाथ में देख लिया था उसको मेरे साथ। तो अगर देख भी लिया तो डर किस बात का है? चलो था ना, जो खुदा दो बार उसे मेरे सामने ला सकता है वो मुझे उससे मिलवाएगा भी जरूर। तो मिलवाए ना मुझसे, मुझसे सबर नहीं हो रहा। अभी मिलने का वक्त नहीं आया, ठीक है? चाहते क्या आप? मैं शादी करके अक्सम के साथ बाहर चली जाऊंगी, उसके बाद शादी करनी है क्या? अभी शादी की नौबत तो आने दो, अभी तो उस बेचारी को पता भी नहीं है तो मैं उसे पसंद करता हूँ। तो बता देना, बल्कि मुझे ले जाए, मैं खुद बता दूंगी। वो इजी, उसकी अम्मी की ना हार्ट सर्जरी हुई है अभी, काफी टेंशन में है वो। तो आदत के बहाने चलते हैं ना। जब मिलने का वक्त आएगा ना,
तो मैं खुद ले जाऊंगा तुम्हें वहां पर। मैं ना आपसे बात ही नहीं करती। अब अगर इस तरह तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती रहोगी ना, तो उसके बारे में अपडेट्स देना तुम्हें मैं बंद कर दूंगा। छुपा नहीं सकते आप, ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये आपके दिल का हाल बहुत अच्छे से बता देती। मुझे तो हैरत है कि उसको आपकी आंखों में प्यार नजर नहीं आता। क्योंकि उस बेचारी के तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि इस बंदे की आंखों में देखना। मोहब्बत अपने होने की गवाही ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बात लिख ले, दिल ही दिल में वो भी आपको चाहने लगी होगी। तुम्हारी ये जो बातें हैं ना नाजिया, बहुत खुश फहम बना रही है मुझे। मॉम को तो बता दे, सारा दिन आपके लिए लड़कियां देखती रहती हैं और शाम में खुद ही उनमें कोई खामी निकाल कर मना कर देती है। लेकिन इस बार उनको जो लड़की तलाश करके दे रहा हूँ ना मैं, उसमें ढूंढने से भी कोई खामी नहीं निकाल सकती। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं आती हूँ।